सबसे पहले बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में, जहां पर आज के दिन एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है और साथ ही साथ बाजार के अंदर जो आज के दिन आपको गिरावट देखने को मिली, जो लगभग 6.67 लाख करोड़ रुपए का आज के दिन इन्वेस्टर्स को इतना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके पीछे सिर्फ एक वजह है और कल के दिन भी मार्केट बहुत बुरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिल सकता है। तो सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि अपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में, जहां पर आज के दिन आपको इस शेयर के अंदर एक पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिलती है, एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, लेकिन जिस प्रकार से मार्केट में सेकंड सेशन में हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, उसी प्रकार से हमें टाटा पावर के अंदर भी सेकंड सेशन में काफ़ी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टाटा पावर को लेकर क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको इस न्यूज़ की डे टू टाइम कंफर्म करवा देना चाहता हूँ। 4 मई 2022 आज ही के दिन आफ्टरनून सेशन में ये न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें टाटा पावर रिन्यूएबल कमीशन्स 120 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स इन गुजरात। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अंदर कंपनी ने, टाटा पावर ने 120 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और उसको लेकर कंपनी ने यहाँ पर अपडेट डिक्लेयर करी है। अब देख सकते हैं टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, अ 100% सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर, हैज कमीशन द सोलर प्रोजेक्ट विच विल प्रोड्यूस 3,05,247 मेगावाट एनुअली फॉर गुजरात गवर्नमेंट। तो यहाँ पर काफ़ी शानदार न्यूज़ निकल कर आई है गुजरात गवर्नमेंट के साथ में, जो यहाँ पर टाटा पावर ने यह टाइप किया है, जिसमें 120 मेगावाट की जो सोलर एनर्जी है वो यहाँ पर कंपनी प्रोड्यूस करने वाली है, सप्लाई करने वाली है गुजरात गवर्नमेंट को और आने वाले एक साल के लिए। मैं ये इतनी बड़ी अपडेट आते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ टाटा पावर के अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो आज के दिन हमें टाटा पावर के अंदर 3,07,00,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है और जिसके सामने लगभग 59,00,000 क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज लगभग 19% के करीबन निकल कर आ रहा है। यानी कि टाटा पावर के अंदर जो डिलरेबल बेस काम था वो यहाँ पर रिड्यूस हो चुका है, लेकिन वॉलिटिलिटी शेयर्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस कारण से इंट्रा डे के अंदर इस शेयर्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। ऑर्डर बुक में भी आप देखेंगे तो टाटा पावर के अंदर काफ़ी अच्छी फ्रेश बाइंग कंटिन्यूसली आ रही है। और शेयर के टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो पूरी तरीके से टाटा पावर का शेयर अब हमें मिड रेंज में देखने को मिल रहा है। बोर्ड मीटिंग्स की बात करें तो 6 मई 2022 के दिन हमें टाटा पावर के फाइनेंशियल रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर कंपनी फाइनल डिविडेंड को लेकर भी अपडेट डिक्लेयर करने वाली है। तो यहां पर आने वाले दो दिन टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत खास रहने वाले हैं। साथ ही साथ कॉरपोरेट अनाउंसमेंट की बात करें तो कंपनी ने जो प्रेस रिलीज इशू करी है उसकी अपडेट ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। और साथ ही साथ टाटा पावर के अंदर अगर आपने खरीदारी कर रखी है तो यहां पर आप 218 रुपए के स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशंस को यहां पर होल्ड करते हुए चल सकते हैं और यहां पर 270 रुपए का शॉर्ट टर्म टारगेट लेकर चल सकते हैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं आज के दिन बाजार के अंदर जो आपको इतना बड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, उसके पीछे की वजह क्या है और क्यों कल के दिन के बाजार के ऊपर भी इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो 16,677 रुपए की निफ्टी ने आज के दिन क्लोजिंग दी है, जिसमें लगभग 400 पॉइंट की गिरावट आज के दिन हमें निफ्टी 50 के अंदर देखने को मिली है। निफ्टी 50 की बात करें तो अगर आप यहाँ पर निफ्टी 50 का चार्ट भी देखेंगे तो आज के दिन हमें निफ्टी के अंदर एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और जो लेवल्स आपको यहां पर फ्राइडे के दिन बताए गए थे वही लेवल आज के दिन आपको हिट होते हुए देखने को मिले हैं। जो स्टॉप लॉस आपको बताए गए थे वही स्टॉप लॉस आज के दिन आपको हिट होते हुए देखने को मिले हैं। तो कल के दिन यानी कि एक्सपायरी के दिन बाजार कैसा रहने वाला है, अगर आप उस पर भी डिटेल रिव्यू चाहते हैं तो लेट नाइट आपके साथ वो वीडियो भी शेयर कर दी जाएगी। तो आज के दिन अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर जो आपको ये 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है, इसमें सबसे बड़ी गिरावट आपको मार्केट में ठीक 2 बजे के बाद देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर जो आरबीआई की आज के दिन मीटिंग थी और आरबीआई के अंदर जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक करी गई है, जो रेपो रेट को हाई किया गया है, उसका एक जो नेगेटिव इम्पैक्ट था वो हमें बाजार के ऊपर 2 बजे के बाद आते हुए ही देखने को मिला है। आप देख सकते हैं इन्वेस्टर लॉस
₹6.27 लाख करोड़ एज मार्केट क्रैश आफ्टर सेंट्रल बैंक हाइक्स रेपो रेट। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन रेपो रेट के अंदर लगभग 40 BPS यानी कि 4.40% से रेट को इंक्रीज किया गया है, और इसी रेट को इंक्रीज करने के चलते बाजार के ऊपर आज के दिन हमें इतना बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आते हुए देखने को मिला है। तो बात करें कि कल के दिन बाजार के ऊपर क्यों खतरा मंडरा रहा है, तो आज के दिन जैसा कि आपको बताया कि RBI की तरफ से रेपो रेट को हाई किया गया है, लेकिन इसी के साथ में तो आज के दिन यानी कि 3 और 4 मई को जो FOMC की मीटिंग हमें कंडक्ट होते हुए देखने को मिली है, और इस FOMC की मीटिंग्स के जो आउटकम्स निकल कर आने वाले हैं उसमें भी फेड की तरफ से लगभग 50 BPS से इंटरेस्ट रेट हाइक करने की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। और अगर 50 BPS से इंटरेस्ट रेट हाइक किया जाता है तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में तो हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ कल के दिन हमें इंडियन इक्विटी बाजार के ऊपर भी इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो यूएसए का बाजार तो अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन अगर यूरोपियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो यूरोपियन स्टॉक मार्केट के अंदर हमें आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट एक विकराल रूप भी यहाँ पर ले सकती है अगर लेट नाइट जो यहाँ पर फेड के डिसीजन आने वाले हैं अगर वो नेगेटिव निकल कर आते हैं। तो आज के दिन जो RBI की तरफ से रेपो रेट को हाई किया गया है वो 1 अगस्त 2018 से के बाद में अभी यहाँ पर किया गया है, यानी कि ऑलमोस्ट चार साल के बाद में RBI की तरफ से इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है, और इसी एक न्यूज़ के कारण आज के दिन बाजार आपको पूरी तरीके से क्रैश होते हुए देखने को मिला है। तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी अभी भी आपको बनी हुई रहते हुए देखने को मिल सकती है, जिस कारण से मार्केट के अंदर अब कुछ भी खरीदने के पहले आपको प्रॉपर लर्निंग करके चलना होगा। सिर्फ आप एनालिसिस और यहाँ पर किसी के रिकमेंडेशंस के बेसिस पर किसी भी शेयर्स को बाय या सेल नहीं कर सकते हैं। तो ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव हैं, तो क्या लेवल रहते हैं कल के दिन एक्सपायरी के दिन के निफ्टी के, साथ ही साथ बैंक निफ्टी के, वो आपको लेट नाइट अपडेट कर दिए जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, साथ ही साथ अगर आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप अपनी पोजीशंस को यहाँ पर लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड करते हुए चल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है जहां पर मार्केट के ओपन होने के पहले मार्केट के क्या सेंटीमेंट हैं, साथ ही साथ निफ्टी विफ्टी बैंक निफ्टी के क्या लेवल से वो कंटिन्यूसली बेसिस पर शेयर करे जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां पर आपने अगर पोजीशंस ले रखी है पुट या कॉल की तो आप वहां पर काफ़ी अच्छा उन लेवल्स के अकॉर्डिंग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो देर किस बात की, जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।